नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। स्वागत है आपका खबरें दिन भर की में। चलिए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर इशारों पर निशाना साधते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने श्रीलंका में सबसे आतंक का घिनौना चेहरा देखा है, समाज को आतंक से मुक्त कराना जरूरी है, इसके लिए सभी ताकतें एक हों, आतंक से सभी देश मिलकर लड़ें। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फंडिंग करने वाले देशों को जिम्मेदार बताया। तो वहीं दूसरी ओर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट में इमरान खान ने फिर अपनी करतूतों से जग हसाई करवाई। वे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एससीओ के उद्घाटन सत्र में सदस्य देशों के प्रमुख नेताओं के आगमन पर बैठे दिखाई दिए, जबकि सभा कक्ष में दूसरा कोई सदस्य बैठा नहीं था। इतना ही नहीं, अपनी गलती का एहसास होने पर इमरान फिर उठे लेकिन फिर तुरंत बैठ गए। वहीं इमरान खान ने एससीओ समिट में बोलते हुए इस्लामिक कार्ड खेला है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई के विरोध में पिछले चार दिनों से वहां के जूनियर्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वो अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सोमवार को कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद बुजुर्ग के परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसमें दो जूनियर डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने काले बैच पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों पर हुए हमले का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। देश में हाहाकार मचा है, मरीजों का बुरा हाल है। दिल्ली, मुंबई, केरल समेत देश के कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखा। वहीं जम्मू के भी डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का समर्थन कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा कदम रखते हुए भारत अपना खुद स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार होगी। नई दिल्ली में मौजूद इसरो चीफ सीवन ने कहा कि हमें मानव अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने के बाद गगनयान प्रोग्राम का विस्तार करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्लेशियर्स और ध्रुवों की तेजी से पिघल रही बर्फ को जमाना है। जलवायु परिवर्तन पर लगातार सम्मेलन होते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रिसर्च केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में मदद मिलेगी। इसमें वैज्ञानिक ऐसे तरीकों की तलाश करेंगे जिससे धरती के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। आज पूरी दुनिया में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। लेकिन खून की कमी से अकेले भारत में ही हर साल लगभग 1.36 लाख महिलाओं की मौत हो जाती है, जो पूरी दुनिया में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान हुई मौतों का 25.7% है। वहां एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुष रक्तदाताओं में 24.8 और महिलाओं रक्तदाताओं में 6% की कमी हुई है। देश में हर साल 1.20 करोड़ यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन रक्तदाताओं से केवल 90 लाख यूनिट खून ही एकत्रित हो पाता है, जिसमें हर साल 30 लाख यूनिट की कमी रह जाती है। देश में कम होते रक्तदाताओं के कारण इसको लेकर फैली तरह तरह की अफवाहें हैं। शाकाहारी मानते हैं कि भाई उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, जबकि कई शाकाहारी खानों में आयरन भरपूर होता है, और जो व्यक्ति रक्तदान करता है शरीर में उसकी आपूर्ति 24 घंटों के अंदर हो जाती है। जम्मू संभाग के जिला डोडा और किश्तवाड़ सड़क हादसों का रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर 4 एक्सीडेंट्स हुए। पहले दो कारें आमने सामने भिड़ गईं, दूसरा पुल डोडा के पास यात्री बस उलट गई, जिसमें तकरीबन 15 लोग घायल हो गए। वहीं तीसरा हादसा एक मारुति कार का हुआ जो पस्सियों के बीच में फंस गई, इसमें लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं चौथा हादसा दर्दनाक हुआ, जिसमें एक मारुति कार चिनाब नदी के किनारे जा गिरी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। ये पूरा इलाका हादसों का इलाका बनता जा रहा है, सड़कों का बुरा हाल है।
लोगों ने राज्यपाल सतपाल मलिक से गुहार लगाई है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। रियासत के जम्मू संभाग में कॉलेज खोलने का प्रचार प्रसार प्रशासन ने बड़ी जोर शोर से किया। कॉलेज खुले भी, लेकिन बिल्डिंग का क्या हुआ, ये खुदा ही जानता है या फिर पढ़ने वाले विद्यार्थी। इसी तरह का एक कॉलेज जिला रामबन से 52 किलोमीटर दूर गूल में भी है, जो अभी तक किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, वो भी सिर्फ 2 कमरों में। डिग्री कॉलेज गूल में इस वक्त 140 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले 9 सालों से कॉलेज 2 कमरों में ही चल रहा है। वहीं विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने राज्यपाल प्रशासन से अपील की है कि जल्द बिल्डिंग का काम मुकम्मल किया जाए। भारत के मेट्रोमैन के नाम से मशहूर और दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंध निदेशक ई श्रीधरन ने मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की केजरीवाल सरकार की पहल को मेट्रो के लिए नुकसानदायक बताया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त यात्रा की जगह सब्सिडी की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा करनी चाहिए। श्रीधरन ने इस मामले में 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर सहमत न हो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इस महीने 54 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। ये मौतें मुजफ्फरपुर जिले के 2 अस्पतालों में हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार मौत के कारण दिमागी बुखार नहीं बता रही है। सरकार का कहना है कि अधिकतर मौत का कारण हाइपोग्लिसीमिया है, यानी लो ब्लड शुगर। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हाइपोग्लिसीमिया इस बुखार का ही एक भाग है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि हमें बांग्ला को आगे लाना होगा। बंगाल में रहने के लिए बांग्ला भाषा बोलना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जब वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जाती हैं, तो वहाँ उनकी भाषा में बात करती हैं। अगर आप बंगाल में हैं तो आपको बंगाल की भाषा बोलनी पड़ेगी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।